ब्रेक बाद आपका स्वागत है। बुधनी विधानसभा में सीएम मोहन यादव की जनसभा सीधी तस्वीर बनने से काम किया। आप अंदाज लगा लो 2003 तक एक आदमी की आमदनी सरकारी रिकॉर्ड है 7,500 रुपया सालाना पड़ता था। आप याद करो अपने हाली गुवाली नौकर चाकर काम करते थे। अब अपने खेत पे भी काम करोगे तो कोई 10,000 से कम वाला मिलता है क्या? इतने सारे लोग बैठे हैं, मिलता कोई अपने आप में? तो जोरदार ताली बजाओ यार। उल्टा अगर किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। मैं यहाँ माइक पे बोल रहा हूँ, कोई इन्वर्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, ये शुद्ध बिजली से चल रहा है। और हमारे यहाँ बिजली से केवल बुधनी में नहीं कह रहे, अरे दिल्ली की ट्रेन भी अगर चल रही है तो मध्यप्रदेश सरकार की बिजली के भरोसे चल रही है। ये है विकास का पैमाना, ये है विकास के तरीके। सरकार चलाने में सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी की है तो किसानों की मदद की है। और मुझे इस बात की खुशी है, किसानों को लेकर तो हमारी सरकार ने जो काम किए भूतों में भविष्य की कभी इतने काम हो ही नहीं सकते। अरे एक फसल के लाले पड़ते थे, पड़ते कि नहीं पड़ते थे? अब एक फसल तो ठीक है, दूसरी भी होगी और तीसरी ब्याज में मूंग की फसल अलग होती है, घर घर गांव गांव। ये आनंद कैसे आ रहा है? खेत तो खाली नहीं रहते, खेत के अंदर जो लगातार ऐसा लगता है जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूमो तो लगे कि ये बगीचे बगीचे लग रहे हो क्या रिया, क्या पता ही नहीं चलता था। पहले धूल उड़ती थी धूल, अब तो हेलीकॉप्टर लाओ तो भी धूल नहीं उड़ती है। ये है विकास अगर देखना है खुली आंखों से। लेकिन आज हमारे बीच एक तरफ विकास का मामला और एक तरफ विनाश वाले लोग भी आ रहे हैं। अभी भी चैन नहीं पड़ा इनको, पूरा डुबा के मानेंगे। ये कांग्रेस के लोग पता नहीं कहां कहां से चल के आ जाते हैं और कैसी इनकी हिम्मत, वो कितनी मोटी चमड़ी। अरे कुछ करे न धरे, लेकिन हमेशा वोट के लिए भैया ध्यान रखना। हाँ भैया जरूर ध्यान रखना, अभी लक्ष्मी भैया की तैयार तो रखना तलवार घर वाली। आओ तुम्हारे पास, तुम्हारे कर्म बताते तुमने क्या क्या किया है। ये जो कर्म किए कांग्रेस ने, जो आज बिजली पानी सड़क ये विकास के काम हो सकते, ये 50 साल पहले होते तो हमारे बाप दादा भी उनको दुआ देते कि काश हमारा अपना मध्यप्रदेश कहां से कहां चला जाता। आज बदलते दौर में कितने प्रकार से विकास की संभावना है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, विकास की जब बात कर रहा हूं, अरे जैसे ही घुसते बुधनी से चाहे होशंगाबाद तरफ से आओ तो क्या वो ट्राइडेंट का कारखाना दिखता है। हमारा बड़ा सा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वाले भी घबरा जाए कि ये बुधनी है कि कोई और जगह है। 10-20 साल बाद मेहमान आते तो पहचानते ही नहीं है। इधर भी सड़क उधर भी सड़क, जहां देखो वहां कारखाने। और विजयासन मैया का तो धाम ऐसा मुस्कुराता है, ऐसा लग रहा है इंद्रलोक का पूरा वहां का वही इंद्रासन आ गया, भगवान का दरबार आ गया पूरा। ये माताएं बैठी है। कभी आप कभी कल्पना करो भैया, किसानों को मामले को लेकर के कभी एक पैसा सरकार के माध्यम से किसान के खाते में कभी आया क्या? किसान सम्मान निधि, अरे 43,000 लोगों को यहाँ मिल रही, जोरदार ताली बजाओ किसानों के लिए। 43,000 किसान परिवार का प्रति किसान 6,000, और भगवान की दया से मन उदार था और देने वाला परमात्मा यश देता है, महाकाल की कृपा होती है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, ये उनके माध्यम से किसानों के लिए अगर उनने 6,000 दिए तो हमारी सरकार के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने भी 6,000 अपनी तरफ से लेकर के 6×12,000 कर दी। ये है हमारी व्यवस्था। और ध्यान रखना, अभी बहने यहां बैठी है, बहने आप बताओ कभी आपके खाते में कोई ने पैसे डाले कभी? ये कांग्रेस के लोगों से पूछना, अरे तुम तो लूट ले जाते थे यहाँ पर, जो मिल रहा वो भी छीनने वाले थे। लेकिन ये हमारी सरकार है, हमने कहा था लाडली बहनों के पैसे भी मिलेंगे। और हमने जब चुनाव में घोषणा की शिवराज सिंह जी के माध्यम से तो ये कह रहे थे बस चुनाव की बात है, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, ये हमारी सरकार है।